आगे बढ़ते हैं। यूपी की बदायूं सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने शिवपाल यादव ने चुनाव से पहले ही जनता को धमकाना शुरू कर दिया है। रैली के दौरान एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतर गई है। जमकर प्रचार हो रहा है और बयानबाजी भी तेज है। इस बीच बदायूं से एसपी प्रत्याशी शिवपाल यादव का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि वोट दो नहीं तो हिसाब किताब भी होगा। तो वोट मांगेंगे, सब तक वोट मांगेंगे, हम तो सब तक वोट मांगेंगे, जो देगा देगा, नहीं अपने लोग तो ही हैं, इतने तो लाखों का नेता नहीं, अपने तो हैं, सब देंगे वोट, सब देंगे वोट, और अच्छे बताओ दें तो दें, नहीं देंगे तो फिर पहले तो वोट दो, नहीं तो फिर हिसाब किताब भी होगा। शिवपाल यादव का वायरल वीडियो कब का है और कहां का, ये तो क्लियर नहीं है। इतना जरूर है कि वीडियो में सहजवान से एसपी विधायक ब्रजेश यादव उनके साथ हैं। वहीं बीजेपी ने इसे लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। शिवपाल सिंह यादव खुलेआम जिस तरह से कह रहे हैं कि अगर वोट नहीं देंगे तो उनका बाद में हिसाब किताब करेंगे, अरे भूल गए हैं क्या, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में इस तरह की धमकी देने वालों का क्या अंजाम होता है, ये बातें पूछ लेनी चाहिए। तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी यहां पर शिवपाल यादव बदायूं से बनाए गए हैं, जिन्होंने एक जनसभा के दौरान ये बयान दिया और मतदाताओं को एक तरह से धमकाया है कि अगर वोट नहीं दिया तो हिसाब आगे होगा।